अगर आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि अभी एक ऐसा परसेप्शन डेवलप करना था पीएमएलएन ने कि लोग जा नहीं रहे सिर्फ आ भी रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो जफरुल्ला जमाली साहब को, सरदार रजा साहब को आज शो कॉज नोटिस उन्होंने दे दिया है कि आपने पार्टी की खिलाफ वर्जी की है, डिसिप्लिन की, शो कॉज नोटिस थमा दिया है। अब ये वो दो लोग हैं जो कि अक्सर उकात जिनके बारे में कहा जाता है कि उसूलों के बारे में ये बड़ा स्टैंड ले जाते हैं, ऐसे में पीएमएलएन का इनको शो कॉज देना और एक तरफ जावेद हाशमी साहब को लेकर आना, ये अजीब सी बात नहीं हो जाती कि जमाली साहब उसूलों पे स्टैंड लेने वाले लोग हैं? मतलब उन्होंने कहा कि मैं उसूलों पे स्टैंड ले रहा हूं, उन्होंने कहा ये उनका अपना जफरुल्ला जमाली साहब वुड बी द लास्ट पर्सन जिसके बारे में कोई कह सके, वो एक डिक्टेटर के दौर में वो वजीर आजम रहे हुए हैं, तो वो तो आखिरी बंदा होगा जिसके हवाले से आप कह सकें। मेरा ख्याल में तो नवाज शरीफ साहब ने अगर उनको इंडक्ट किया था पार्टी के अंदर, वो ही सेल्फ एक गलती थी ऐसे लोगों को जो आपने इंडक्ट किया, और ये लिस्ट बहुत बड़ी है, ये वही लोग हैं जो मुशर्रफ साहब की बाकियात हैं जो पार्टी के अंदर, जिसमें दानियाल अजीर हैं, मारवी मेमन हैं और बड़े सारे मौजूद हैं, उन्होंने अपना अपना रास्ता देखा। मुशर्रफ साहब तो आज भी दानियाल अजीर साहब के बारे में कहते हैं कि ये इसने मुझे रंग दिखाया था, आप देखिएगा ये आप लोगों को भी रंग दिखाएगा। मेरा ख्याल में जमाली साहब का जाना कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है, इशारों के ऊपर हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स की है, और एक इशारे के साथ ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, इशारे के साथ ही हट भी गए थे, इशारे के साथ ही नून लीग में भी आ गए, इशारे के साथ ही नून लीग छोड़ भी दी, इट्स नॉट वेरी बिग, जिस तरह जितना कोई बड़ा इंडक्शन जो है वो हाशमी साहब का नहीं है, इतना ही बड़ा कोई एग्जिट जो है वो जमाली साहब का भी कोई मेरे ख्याल में इतना बड़ा नाम नहीं है जिसके शोकॉज नोटिस दिया गया उनको कि जी आपने उस पॉइंट पर आके बात क्यों की जब जमात को जमाली साहब विल नॉट स्टे इन नून लीग, क्योंकि जमाली साहब ने जब ये इस सिलसिले में जब वोटिंग हुई थी अभी नेशनल असेंबली में, ही वाज द ओनली वन जिन्होंने वोट नहीं डाला था नून लीग के साथ, तो इससे तो यही क्लियर कट नजर आता है कि या तो वो छोड़ देंगे या पार्टी उनको निकाल देगी, वॉट एवर दोनों में से जो भी रीजंस होती हैं। लेकिन मियां साहब, नवाज शरीफ साहब की एक क्वालिटी है जो कि इमरान खान साहब से बड़ी मुख्तलिफ है, वो ये है कि मियां साहब लोगों को पार्टी से निकालते नहीं हैं, लोगों को फारिग नहीं करते। इमरान खान साहब जिस तरह अभी आपने डेरा इस्माइल खान में आपने देखा, दावड़ साहब को एक मिनट में फारिग कर दिया, और बड़े लोग हैं पार्टी से यूं करके वो फैसला करते हैं चलो भाई, नवाज शरीफ साहब ये काम नहीं करते, नवाज शरीफ साहब उसको ड्राई आउट कर देंगे, उसको फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि वो खुद छोड़ दें, वो कभी पार्टी से निकालेंगे। जावेद हाशमी साहब भी जो पहले गए थे ना वो फ्रस्ट्रेशन में गए थे, निकाला उनको किसी ने नहीं था, तो फिर आज मनाने की कोशिश हुई थी, मनाने की, वो तो मैंने आपको रीजन बताई है ना कि एक मार्केटिंग है, नून लीग ये चाहती है कि हम दिखा सकें जनाब पीपल आर ज्वाइनिंग अस, देखें कितने लोग आ रहे हैं हमारे पास इस वक्त। मैं आपको ये तो अभी आपने साउथ पंजाब में देखा ना, मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त कराची में भी बड़ी एक्टिवली इस वक्त कोशिश कर रही है कुछ लोगों को इंडक्ट करने के हवाले से, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, क्योंकि वहाँ पे जो एमक्यूएम के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एमक्यूएम के चंद नाराज लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स अपने बढ़ाए हैं ताकि वहां से भी लोगों को इंडक्ट करें। इलेक्शन सीजन इज कमिंग, कैंपेनिंग सीजन इज कमिंग, तो यहाँ पे ये जोड़ तोड़ का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है।